दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक जिनके परीक्षा परिणाम 30% या उससे कम है, तो उनके लिए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेने संबंधी उनको अपात्र घोषित कर दिया, यानी जीपीएस पोर्टल के माध्यम से उनको मौका ही नहीं मिला। साथ ही जो पुराने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई इसके पहले, उसमें भी उनको स्कूलों पर ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, लेकिन अब उनको बड़ी राहत मिल गई है। एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें इस तरह के अतिथि शिक्षक जिनके 30% रिजल्ट आए तो उनमें भी अब कंडीशन के अंतर्गत उनको राहत दी गई है। क्या कंडीशन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बहुत सारे अतिथि शिक्षक अंदर हो जाएंगे। तो बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, कंप्लीट एक बड़ा आदेश, बड़ी खुशखबरी दिखाएंगे। जिन अतिथि शिक्षकों के 30% रिजल्ट के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है या फिर ऑनलाइन रूप से वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है, आदेश है, इसको पूरा देखिएगा। और इस आदेश को ये मत समझिएगा कि ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा की तरफ से जारी किया गया है, तो छिंदवाड़ा के अतिथि शिक्षकों के लिए ही है। लोक शिक्षण के निर्देश पर यह जारी हुआ है और मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने जारी किया है। 6/9/2024 का आदेश है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रति में समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार संकुल केंद्र उत्तर जो माध्यमिक विद्यालय है छिंदवाड़ा के लिए यह आदेश है, लेकिन संदर्भ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का है। और जिस आदेश में लोक शिक्षण DPI भोपाल का संदर्भ है, समझिए वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू किया गया है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे विषय में अतिथि शिक्षकों के संबंध में है और यहाँ पर संदर्भ में आप देखेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के 24/7/2024 का आदेश है और लोक शिक्षण के ही आदेश 4/7/2019 का आदेश है। ये 4/7/19 और की कंडिका के अंतर्गत ही यहाँ पर नियम बनाए गए, जो 2019 में उसी नियम को लागू किया गया है वर्तमान 24-25 के शैक्षणिक सत्र पर, लेकिन अब यहाँ पर एक राहत दी गई है। आप इसको देखेंगे, विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। संदर्भित पत्र दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाए, जिसका पालन संदर्भित पत्र दिनांक 24/7/2024 की कंडिका 2.2 के अनुसार कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाए, स्पष्ट निर्देश किए गए हैं, ये चीज यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर नया क्या है, नया है पॉइंट नंबर 2, इसमें बताया है कि उपरोक्त संबंध में विदित होवे कि जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम गत वर्ष में 30% से कम होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, जबकि उनके द्वारा बोर्ड कक्षाओं का अध्यापन कार्य नहीं कराया गया है, यानी सीधी तौर पर ऐसे अतिथि शिक्षकों का नाम भी वहां पर डाल दिया गया या फीड हो गया जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई नहीं करवाई है, जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट लेना है। अब 10वीं या 12वीं का उन्होंने अध्यापन ही नहीं कराया है बच्चों को। यहाँ पर आगे भी कंडीशन एक बताई हुई है, या तो बोर्ड परीक्षाओं का अध्यापन नहीं कराया, या तो फिर उनके द्वारा पढ़ाई गई बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30% से अधिक है, ऐसे अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम का पूर्ण परीक्षण कर अभिमत सहित अपात्र सूची तत्काल कार्यालय को मैं प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे समय सीमा में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जा सके, विलंब हेतु संबंधित संकुल प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। आपको यहां पर बता दें एक चीज, यहां पर देखिए पहले सिग्नेचर देखिए जिला शिक्षा अधिकारी 6/9/2024 के हैं और प्रतिलिपि में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम संबंधित अधिकारी आयुक्त लोक शिक्षण कलेक्टर छिंदवाड़ा संयुक्त संचालक के सभी के लिए भेज दिया गया है। अभी यहाँ पर नई चीज आपको बता दें कि इस तरह के केस में हमारे जो है 13,000 से 15,000 करीब अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। अब ये जो दोनों चीजें हैं, बोर्ड का लेना है 10वीं और 12वीं का, इन कक्षाओं का जो पढ़ाते थे अतिथि शिक्षक उनका लेना है रिजल्ट, अगर 30 से कम है तब वह यहाँ पर इस श्रेणी में अपात्र हैं, लेकिन अगर वो
यहाँ पर नौवीं कक्षा पढ़ा रहे थे और दसवीं में किसी कारण से उनका फिट कर दिया, पढ़ाए नहीं, वह पात्र हो जाएंगे। और साथ ही अगर यहाँ पर उनका जब रिजल्ट भेजा गया था उस समय सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम होने के बाद तो उनका काउंटिंग में नहीं लिया जाता है, फिर उनका रिजल्ट बाद में आया उनका काउंटिंग अब भी नहीं लिया जाता, लेकिन अब अगर वो जवाब भेजेंगे तब जिनका 30 से कम था उनका सप्लीमेंट्री वालों का जोड़ करके उनका अब प्लस में हो जाएगा। यानी सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे थे उस समय फेल थे तो रिजल्ट कम बना था, अब वो पास हो गए हैं तो उसका भी रिजल्ट जोड़ के यानी हुआ है। अब ज्यादातर अतिथि शिक्षक 30% वाले जो बाहर थे वो अब अंदर पात्र हो जाएंगे और इस पर संशोधन होगा। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।